नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। कहते हैं कि अगर इंसान में हौसला हो तो वो पहाड़ का भी सीना चीर कर रख दे। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के कुछ युवाओं ने। रोहतास जिले के तिलुथू के युवाओं ने गया के दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर न सिर्फ पहाड़ को काट बल्कि 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क बना डाली। हाथों में कुदाल और फरवा लिए ये युवा नई कहानी लिख रहे हैं। रोहतास में तिलुथू के पास कैमूर पहाड़ी पर सदियों से पूजे जाने वाले तूतला भवानी मंदिर, जहां पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम था, 3 पहाड़ी नदियों को पार करने के बाद जंगली रास्तों से लोग वहां पहुंचते थे। इस दौरान हादसे भी होते थे, लेकिन यहां के युवाओं ने जब गया के माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी की कहानी सुनी तो इन लोगों में भी हौसला आया। तुतला भवानी मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ लगातार हो रहे हादसों से सबक लेकर युवाओं ने प्रण लिया कि वे लोग दशरथ मांझी की ही तरह पहाड़ को काट देंगे। प्रेरणा लेकर गांव के युवाओं ने हाथ से हाथ बढ़ाया और पहाड़ के किनारों को काट काट कर 2 किलोमीटर लंबी पथरीली रास्ता तैयार कर दिया। ग्रामीण कहते हैं कि उन लोगों ने जब दशरथ मांझी की कहानी सुनी तो प्रेरणा जागी कि जब एक दशरथ मांझी अकेले पहाड़ काट सकता है तो वो लोग तो दर्जन युवाओं की टीम है, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वन विभाग के लोगों को जब पता चला कि इन लोगों ने इस पर थोड़ी देर के लिए रोक लगवा दी। शर्त थी कि कोई भी मशीन का उपयोग नहीं करना है। युवाओं ने ऐसा ही किया और अपने हाथ से ही पत्थर तोड़ तोड़ कर रास्ता बना दिया। अब तुतला भवानी मंदिर जाने के लिए लोगों को लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर जंगली रास्ते का कम सफर तय करना होता है। तुतला भवानी के सुंदर झरने और मंदिर का दर्शन अब आसान हो चला है। यहाँ के युवा कहते हैं कि उन लोगों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आशा छोड़ दी और अपने हौसले की बदौलत पहाड़ काट कर सड़क बना दिया। जब जिलाधिकारी इस मंदिर में दर्शन करने आए तो मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की बात कही थी। समाज सेवी कहते हैं कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी वहां आए थे तो भरोसा दिलाया था कि आने वाले समय में इस रास्ते को और सुगम बनाया जाएगा। तुलुथू के युवाओं ने अपने जीव जाटता का परिचय देते हुए ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। साथ ही साथ समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में पदाधिकारी जो हैं उस रास्ते को और सही करते हैं ताकि लोग जो हैं और ज्यादा सुविधा का अनुभव कर सके। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।